हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। आज हम देखेंगे आपके माइंड में अगर कोई पर्सन है, आपके पार्टनर, उनकी करंट एनर्जी, उनकी फीलिंग्स आपको लेकर, नेक्स्ट एक्शन एंड उनकी तरफ से कुछ चैनल मैसेजेस आपके लिए। ओके, कार्ड ऑप्शन से ग्रुप नंबर 1 अबंडेंस लॉर्ड गणेशा। ओके, ग्रुप नंबर 2 रिलेशनशिप नंबर 12 एंड ग्रुप नंबर 3। मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगी, आप वीडियो को पॉज कर दीजिए एंड मेडिटेशन करें। एक पाल को इंट्यूटिवली चूज करें। आपकी करंट टाइम फ्रेम में जो भी पर्सन है आपके माइंड में, उनकी फीलिंग्स, थॉट पैटर्न एंड वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ऑल ऑप्शंस पर, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। पर्सनल डेटा के सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई पर्सनल नंबर नहीं है, सो बी केयरफुल। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। ग्रुप नंबर 1 करंट टाइम फ्रेम में आपकी पार्टनर की फीलिंग्स, थॉट पैटर्न आपको लेकर, उनकी करंट एनर्जी देखेंगे, आपके लिए नेक्स्ट एक्शन एंड कुछ चैनल मैसेजेस उनकी तरफ से। ओके, आपने लॉर्ड गणेश अबंडेंस कार्ड चूज की है एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग। चलिए देखते हैं उनका फर्स्ट एनर्जी, मतलब करंट टाइम फ्रेम में किस एनर्जी लेवल पे वो है। ओके, एंड एजेंडा स्पेसिफिक नहीं है, ऑल साइन रीडिंग है। ग्रुप नंबर 1 आपके पार्टनर की एनर्जी नाइट ऑफ पेंटाकल्स, ये लॉन्ग डिस्टेंस में है एंड आपकी लोकेशन से लॉन्ग डिस्टेंस नज़र आ रही है, जैसे वो दूर चला जा रही है। यू नो, ऑलरेडी वो चला गया हुआ, मतलब एक फिजिकल डिस्टेंस भी नज़र आ रही है, जियोग्राफिकल डिस्टेंस आ रही है। आप एक जगह पर है, दूसरे स्टेट और सिटी में वो पर्सन है, नाइट ऑफ पेंटाकल्स। और ये इनका मतलब थोड़ी आपसे कमिटमेंट से पर्सन, जैसे पहले भागा हुआ है, मतलब भाग चुका है ये वो पर्सन है। दिस इज नाइट ऑफ पेंटाकल्स एंड सिक्स ऑफ पेंटाकल्स एनर्जी। ओके, नेक्स्ट दिस इज एम्प्रॉयड पर्सन, अभी अपनी पूरी तरह से अपने आप को काबिल बनाना, जिसको कहते हैं फाइनेंस, करियर, वर्क फील्ड में अभी पर्सन पूरी तरह से फोकस्ड है। बट मुझे स्ट्रांगली वाइब्स अरे आपके साथ मिले हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन मिले हैं, देन ए मूव कर चुके हैं अपने करियर वर्क फील्ड के मामले में, उसको अपने आप को स्टेबल करने में, मतलब फाइनेंस करियर पर इनका मेन फोकस पॉइंट करंट टाइम फ्रेम में दिखाई दे रही है। पहले शायद फाइनेंशियल कुछ इशू थे या फिर कैरियर वर्क फील्ड की वजह से, कैरियर वर्क फील्ड की वजह से ये लॉन्ग डिस्टेंस में है। देखते हैं, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड, या फिर हायर स्टडीज़ के लिए भी हो सकता है। थैंक यू, इस कनेक्शन में आपको क्या जानना है। दिस इज गार्डन, एक लेडी वेट करी यहाँ पर एंड कोई कपल यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। जैसे इस कनेक्शन में आप हो सकते हैं कि आप इनके लिए वेट कर रही हैं लंबी टाइम से, बरसों से। गार्डन, एक लेडी, डजेंट मैटर यू आर मेल ऑफ फीमेल, मैं अगेन कह रही हूँ, आप वेट करें यहाँ पर अकेले एंड यहाँ पर पीछे की यूनिकॉर्न दिखाई दे रही है। मतलब जो गार्डन है वो मतलब एकदम स्प्रिंग सीजन के जैसे नज़र आ रही है। स्प्रिंग सीजन विल बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू और ऑटम, स्प्रिंग और ऑटम सीजन विल बी इम्पॉर्टेंट इस कनेक्शन में। थैंक यू सो मच। लेट्स सी इस कनेक्शन में इनका क्या फीलिंग्स है आपको लेकर। मेन मेल एम्परर आया हुआ है एंड नेक्स्ट डिस्पायरी पर्सन, मतलब पास के कुछ इवेंट को लेकर आपके साथ, कोई ऐसे इवेंट, कोई ऐसे इंसिडेंट की वजह से काफ़ी पश्चाताप भी कर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम में। ये आपकी लाइफ में मेन पर्सन बनना चाहते हैं, मेन मेल में नहीं कह रही हूँ, मेन पर्सन बनना चाहते हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि एम्परर कार्ड भी आया, मतलब अपने आप को यू नो जैसे काबिल बनाना, मैं अगेन कह रही हूँ इस शब्द को इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर, अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल प्रूफ करना यहाँ पर, जैसे अपने आप को वो प्रूफ करना चाहते हैं। बट समहाउ थोड़ी जैसी इनकी मतलब ईगो इशू है, क्योंकि एम्परर एरीज का एनर्जी एंड डिस्पायर, मतलब ये चाहते हुए भी चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे हैं। देखते हैं क्या फीलिंग्स, थॉट पैटर्न है इनका, मतलब ये आई डोंट नो, जैसे ये देखते हैं बट समहाउ आपको ये बताते नहीं हैं। मेन मेल एंड एम्परर दोनों कार्ड में ही ये पर्सन जो है मुंह को थोड़ी साइड में घुमा कर रखा है, बट ये देखते हैं आपको, वॉच करते हैं आपको एंड ये बहुत हेल्पलेस, होपलेस फील कर रहा है करंट टाइम फ्रेम में इस कनेक्शन में, जैसे होप नहीं है इस कनेक्शन में। और देखते हैं, थैंक यू सो मच स्प्रेड गाइड, क्या फीलिंग्स, थॉट पैटर्न है। दिस इज क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, किंग क्वीन लेवल की एनर्जी आ रही है, चैरियट, नाइन ऑफ शॉर्ट। लुक, यहाँ पर एक पर्सन दिखाई दे रही है, यहाँ पर एक थर्ड पार्टी एनर्जी,
थर्ड पार्टी एनर्जी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर है एंड नो डाउट दिस इज़ यू एंड ए पर्सन हो सकता है कि आपको छोड़कर किसी और पर्सन को यहाँ पर चूज़ किए थे कुछ, बट नाउ दिस पर्सन मतलब हेल्पलेस होपलेस एनर्जी में है। वो जहाँ पर भी है नॉट वेरी सेटिस्फाइड, मतलब कनेक्शन में हो, दूसरे किसी रिलेशनशिप में हो या फिर किसी काम काज की जगह पर भी अगर गया हुआ है आपको छोड़कर, तब भी उस जगह पर ये पर्सन मेंटली इमोशनली स्टेबल नहीं है। ये पर्सन चैरिट एनर्जी आ रही है एंड आई डू फील ए पर्सन बहुत मेच्योर हो चुके हैं पहले से ही इनका एनर्जी और मेच्योर है, बट मुंह खोलते नहीं है, मतलब बहुत ईगो क्लैश होती है आपके साथ इनकी। नेक्स्ट दिस इज स्ट्रेंथ, मैं आपको पहले बोल रहे थे ना, पर्सन कंट्रोल कर रहा है अपने इमोशंस को, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग एक इंटेंस इमोशन फीलिंग्स आपको लेकर ये वॉच करते हैं। दिस इज़ फाइव ऑफ पेंटेकल्स, मतलब अपने आप को बहुत होपलेस हेल्पलेस देख रहे हैं, पास्ट के कभी आपने मिले होंगे उस टाइम को, वो उस मेमोरी को फ्लैश बैक करता है पर्सन, बट स्टिल ये मुंह नहीं खोल रही बिकॉज ऑफ क्वीन ऑफ शॉर्ट्स। हो सकता है इस पर्सन के पास के कोई इशू रहा है, ऐसा भी हो सकता है बिकॉज चैरिट एंड क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, क्योंकि एक नाइट ऑफ पेंटेकल्स एजेड एनर्जी आ रही है, आपसे सीनियर पर्सन नजर आ रही है, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स एंड चैरिट सीनियर पर्सन, बट स्टिल मुझे जैसे आप दोनों ने क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बावजूद भी इस पर्सन ने शुरुआती दौर में उस रिलेशन को पहले रियलाइज़ नहीं की कि इतनी डीप लव उनके दिल में आपके लिए है। बाद में जब आप चले गए या फिर ए पर्सन मूव ऑन कर गए, देन इनको वो रियलाइज़ हो रही कि नो गलती हो गई है, एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो चुकी है एंड यही यहाँ पर मेन दिक्कत हो रही है। एंड मुझे थोड़ी भाई सारे पर्सन जैसे थोड़ी गैम्बलर, किसी जगह पर मनी वगैरह इन्वेस्ट करते हैं, खासकर रिस्क करके जगह पर, एंड थोड़ी अल्कोहल की भी एनर्जी आ रही है कि इस चीज़ को भुलाने के लिए, बिकॉज फाइव ऑफ पेंटेकल्स है एंड ये जो जगह है यहाँ पर रुपए से कुछ खेला जा रही है, कुछ गेम खेला जा रही है यहाँ पर, तो मुझे थोड़ी गैम्बलिंग टाइप की एनर्जी आ रही है जैसे चल रही है यहाँ पर। बट जैसे पर्सन इस चीज़ को भुलाने के लिए दूसरे किसी चीज़ पर इन्वॉल्व हो रही है जो सही नहीं है, एडिक्शन। थैंक यू, देखते हैं, थैंक यू सो मच। इस कनेक्शन में और क्या जानना ज़रूरी है आपके लिए। ओके, ऑब्स्ट्रैक्टेड सफोकेटिंग, मैं आपको बोल रही थी इनका दम घुट रही है, दैट्स वाई डिस्पायर एनर्जी यहाँ पर आया हुआ है। ये पर्सन बहुत चाहते हैं, मतलब ये बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बट नहीं कर पा रही, ईगो क्लैश हो रही है यहाँ पर, सेल्फ सैबोटेज चल रही है इनका। इरेजिस्टेबल टेम्पटेशन, बट इस ए कनेक्शन इनके लिए इरेजिस्टेबल, मतलब ये भूल भी नहीं पा रही इस कनेक्शन को, मैं दैट्स वाई क्वीन ऑफ शॉर्ट्स दूसरे डेक में बहुत स्ट्रिक्ट एनर्जी होती है, बट दिस क्वीन ऑफ शॉर्ट्स सोच रही है कंटिन्यूसली। सेक्स ड्राइव क्रेजी लास्ट, तो इस कनेक्शन में एक फिजिकल अट्रैक्शन भी मुझे स्ट्रांग दिखाई दे रही है। इन कंट्रोल ब्लाइंडेड बाय फ्रेंड्स एंड सोसाइटी, लोग किस तरह से पर्सन जगलिंग कर रहे हैं बिकॉज ऑफ फ्रेंड्स सोसाइटी नॉर्म्स, हो सकते हैं आप दोनों के बीच कुछ कल्चर का डिफरेंसेस है, या फिर आप, मैं आपको पहले बोल रही थी कोई थर्ड पार्टी एनर्जी यहाँ पर, कुछ व्यूअर्स के लिए थर्ड पार्टी एनर्जी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले की, इनकी फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं बिकॉज सोसाइटी आ रही है। इमोशनल स्टेबिलिटी एक्सेप्ट रियलिटी, ये पर्सन बहुत होपलेस है माय डियर, इनको लग रहा है कि इस कनेक्शन में और कोई पॉसिबिलिटी नहीं, होप नहीं है, दैट्स वाई सफोकेटिंग एनर्जी आया हुआ है। मैं आपको पहले बोल दी पर्सन इमोशनली बहुत स्टेबल नहीं है, हो सकता है कैरियर वर्क फील्ड में इनका फोकल पॉइंट है, बट इस कनेक्शन में ये बहुत होपलेस फील कर रहा है यहाँ पर। देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन आपको लेकर। व्हील ऑफ फॉर्चून नाइन ऑफ पेंटेकल्स, पर्सन तो आपको देखता है माय डियर एंड आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड है, आपकी ब्यूटी, आपकी सोशल मीडिया में कोई पिक वगैरह हो, ये देखते हैं जिस तरह से नाइन ऑफ पेंटेकल्स में ये आउल को देख रही है हाथ में लेकर, तो एंड लुक फुल ऑफ फॉर्चून में एक एजड पर्सन बैठा हुआ है कि कब समय की पहिया घूमेंगे, कब स्थिति ठीक होगी, कब डिवाइन टाइमिंग आएंगे, कब, मतलब ये रेडी हो, ये खुद रेडी नहीं हो पा रही, ये आपकी मसला नहीं, मतलब प्रॉब्लम आप में नहीं है, ये प्रॉब्लम पूरे आपके पार्टनर में है, ये रेडी नहीं हो पा रही है। नेक्स्ट दिस इज टेन ऑफ वॉन्ड्स, बट समहाउ कार्ड रिवर्स में आई, ओके टेन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में आई है, तो समहाउ ये पर्सन उस पास्ट के कुछ इशू को रिलीज नहीं कर पा रही है। टेन ऑफ वॉन्ड्स एक जलती हुई आग में जैसे कोई आग से बाहर आ रही है, फिनिक्स राइजिंग होना ये होंगे माय डियर, बट आपकी इनकी मतलब नेक्स्ट एक्शन में टाइम लगेंगे। ये पर्सन इतना सोच रहा है, इतना कन्फ्यूज्ड है, इनको लग रहा है इस कनेक्शन में और कोई चांस नहीं है, आप मूव ऑन कर चुके हैं, मैं देखूंगी इनकी तरफ से कुछ मैसेजेस। थैंक यू,
ग्रुप नंबर वन के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या मैसेज चैनल करना चाहते हैं, क्या मैसेज चैनल करना चाहते हैं। इस कनेक्शन में आप वेट करें इस पर्सन के लिए, बट ये पर्सन शायद उसको लेकर अवेयर नहीं है। ये पर्सन भी आपको सोच रहा है, मतलब एक कम्प्लीटली दरवाजे के बीच में दरवाज़ा है एंड दो तरफ में दो वेट कर रहा है, दो पर्सन, कोई अवेयर नहीं है किसी को लेकर जी कि सामने वाला भी वेट कर रहा है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है आप दोनों के बीच। ओके लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं, क्या चैनल करना चाहते हैं आपके पार्टनर, आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। थैंक यू, ओके थैंक यू, थैंक यू। ग्रुप नंबर वन के पार्टनर के और उसको क्या मैसेजेस चैनल करना चाहते हैं। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। आई लव योर वॉइस, आई फील रिलैक्स्ड। आपके शब्द, आपकी वॉइस इनको पसंद है, बहुत रिलैक्स फील करते हैं। आई हैव मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अदर देन लव, दैट्स वाई मैं आपको बोल रही थी इनका फोको पॉइंट देखिए। दैट्स वाई फैमिली हो सकती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनका करियर वर्क फील हो सकता है। डिस्टेंस बट माई लव इंक्रीज डे बाई डे, मैं आपको पहले बोल रही थी आप दोनों के बीच एक जियोग्राफिकल एक डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस है, बट येस दिन ब दिन इनका प्यार बढ़ता जा रहा है आपके लिए। वी कैन टॉक विदाउट वर्ड्स, टेलीपैथिक कनेक्शन की बात कर रहा है ये पर्सन। आई फील गिल्टी फॉर द वे आई ट्रीटेड यू, पास के कुछ बिहेवियर को लेकर ये पर्सन काफ़ी गिल्टी है, मतलब उसको लेकर ये पश्चाताप कर रहा है। पास्ट की कुछ ऐसी बिहेवियर इनका रहा है, उस तरह से मतलब रिस्पॉन्ड नहीं की, फीडबैक नहीं दिया आपको। आई एम वरीड अबाउट यू, मैं आपको बोल रही थी पर्सन आपको लेकर वरीड है, सोचते हैं डिस्पर, मतलब होपलेस फील कर रहा है यहाँ पर। गिव मी चांस, ए चांस मांग रही बट अभी भी वो बता नहीं रहा आपको। यू आर द मोस्ट ब्यूटिफुल पर्सन इनसाइड एंड आउट, ये आपको ब्यूटीफुल से आपके एक्सटर्नल ब्यूटी की बात नहीं हो रही है, आप दिल से भी बहुत खूबसूरत एक पर्सन है, आपका खूबसूरत एक सोल आप में है, ये पर्सन वो जानते हैं। थैंक यू सो मच, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे, गॉड ब्लेस। वेलकम ग्रुप नंबर टू, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, आपको लेकर फीलिंग्स, थॉट पैटर्न, उनकी तरफ से कुछ चैनल मैसेजेस, नेक्स्ट एक्शन एंड मैसेजेस देखेंगे। ओके एंड स्ट्रॉन्गली वाइफ सर, ग्रुप नंबर टू कुड बी योर हस्बैंड, वाइफ, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, या फिर लिव इन में कभी रहे होंगे, मतलब इट्स अ वेरी क्लोज रिलेशन, मतलब एकदम हेलो हाय ओके बाय टाइप एनर्जी नहीं है। आपने बातचीत तो ज़रूर की है इस पर्सन के साथ, एक रिलेशनशिप कार्ड है, मतलब कुछ रिलेशनशिप रहा है एंड ये पर्सन भी इस एनर्जी में कम। ग्रुप वन में उतना इंटेंस बॉन्ड फील नहीं हुई बट ग्रुप टू इस कनेक्शन में बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके पार्टनर, डजेंट मैटर ये पार्टनर मेल फीमेल जो भी है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ऑल साइन रीडिंग है। अभी करंट एनर्जी स्टेटस देखते हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स, हो सकते लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं एंड ए पर्सन हो सकता है आपको भी मैनिफेस्ट करा है माय डियर, ये मैसेज छोड़ते हैं आपके लिए। आपको साइन वगैरह इनके नाम, इनके यू नो इनिशियल सबको दिखाई देते होंगे या फिर ड्रीम में दिखाई देते होंगे। ये मैसेज तो मतलब मैनिफेस्ट करता है या फिर किसी टैरो रीडर के पास से गाइडेंस वगैरह लेते हैं पर्सन। ओके देखते हैं एट ऑफ वॉन्ड्स डिस्टेंस में हो सकते हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स, घर में कोई सेलिब्रेशन पार्टी फंक्शन चल रही है, एडवेंचरस टू ट्रैवल मुझे नजर आ रही है, जैसे ये स्काई डाइव हो, पैराग्लाइडिंग हो, मतलब ऐसा रिस्क टेकिंग, कुछ ऐसा रिस्क टेकर टाइप एनर्जी, बोल्ड एडवेंचरस एनर्जी करंट टाइम फ्रेम में। हो सकता है दोस्तों के साथ कोई पार्टी फंक्शन या फिर ऐसी सच में कोई ऐसी एडवेंचरस टूर वगैरह, क्योंकि ये टेंट नजर आ रही है यहाँ पर टेम्पररी। ओके देखते हैं, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। फाइव ऑफ वॉन्ड्स एंड दिस इज एट ऑफ कप्स, इनकी एनर्जी मतलब एक तो एक हो सकते हैं कि सेलिब्रेशन वगैरह इनकी चल रही है, बट दूसरी एक साइड इनकी आ रही है, शैडो जो आ रही है, ये लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकता है या फिर आपके साथ कोई कैवस कंट्री सिचुएशन इनकी हुई है और मे बी ये मूव ऑन कर चला गया है, या फिर मतलब मैं उनकी करंट एनर्जी की बात कर रही हूँ, किसी चीज़ से ये मूव ऑन कर चला गया है, या तो फिर बर्थ प्लेस छोड़कर लॉन्ग डिस्टेंस में है, आइदर ये बर्थ प्लेस छोड़कर लॉन्ग डिस्टेंस में और ये आपके साथ कुछ ब्रेकअप वगैरह करंट टाइम फ्रेम में, रिसेंट टाइम फ्रेम में हुई है, बिकॉज इट्स अ कंपटीशन हियर, मतलब यहाँ पर एक ईगो क्लैश हो रही है। ओके देखते हैं क्या मैसेजेस हैं, मतलब शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है आप दोनों के बीच, कोई किसी को मतलब थोड़ा से भी यहाँ पर यू नो बेंट नहीं होगा अब, मतलब सामने वाले के पास। देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। ओके
इस कनेक्शन में क्या जानना है आपको? इन एंड यांग, मैं आपको पहले बोल रही थी ये बॉन्ड मुझे थोड़ी स्ट्रांग नज़र आई ग्रुप नंबर वन से। इन एंड यांग एनर्जी शैडो है, ये आपका शैडो है। कुछ व्यूअर्स के लिए डेफिनेटली जनरल रीडिंग है, ट्विन फ्लेम सोलमेट कहना उचित नहीं है, बट फिर भी ये थोड़ी उस टाइप की ही एनर्जी नज़र आ रही है। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। एंड मुझे याद है जब मैं आपकी कार्ड शफल कर रही थी, इन एंड यांग कार्ड फर्स्ट कार्ड मुझे जंप हुई थी, एंड बॉटम ऑफ द डेक में कमिटमेंट, इसी डेक में कमिटमेंट कार्ड है जो लवर्स कार्ड है, जो बिल्कुल एक कपल स्वान में एक पिक्चर आते हैं इसी डेक में। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंटेंस बॉन्ड, एक इन एंड यांग एनर्जी है आप दोनों के बीच। ओके देखते हैं, थैंक यू। बट कोई जैसे यहाँ पर एक रनर एंड चेजर का गेम चल रहा है यहाँ पर, कभी ये भागते हैं तो कभी आप भाग रहे हो इस कनेक्शन से, ऐसी स्थिति चल रही है यहाँ पर। मैसेज नंबर 7, मैसेज, आपने मैसेज वगैरह मतलब क्या है, बातचीत तो हुई है सोशल मीडिया में मुझे, या फिर सोशल मीडिया में ही आप मिले होंगे, या फिर ये पर्सन सोशल मीडिया में आपको देखते रहते हैं, मैसेज का वेट करें, या फिर जो मैसेज आपने पास्ट में कभी किए ना उसको वो रिपीटेटिव मैनर में उसको देखता है पर्सन। मैसेज ऑफ कंसर्न, ओ दिस इज नंबर 7 एंड नंबर 14। ओके, हो सकता है आपका किया गया कोई मैसेज का रिप्लाई इन्होंने ढंग से नहीं दी, बट जैसे ओपन कराई यू नो, जैसे इस एनवेलप को ओपन करके देखना चाहते कि इसके अंदर क्या है। एंड यहाँ पर वो चिट्ठी को पढ़ रही, वो लेटर को जैसे वो पढ़ रही है, यहाँ पर मुझे स्ट्रॉन्गली वाइब्स आ रहे हैं आप दोनों के बीच जो लास्ट कम्युनिकेशन हुई है, लास्ट कम्युनिकेशन और मीटिंग जो हुई है, इसको उस चीज़ को लेकर एक पर्सन सोच रहा है। लास्ट कम्युनिकेशन, लास्ट मैसेज, बहुत उसको लेकर ए पर्सन वरिड है कि और भी अच्छी तरह से बात करना चाहता है, आपने क्यों ये लिखी है, मतलब उस चीज़ को लेकर ए पर्सन सोच रहा है, वरिड है। ओके देखते हैं क्या मैसेजेस हैं, ये आपको लेकर क्या सोचते हैं, थॉट पैटर्न। वाओ दिस इज 9 ऑफ कप्स, एक स्वीट हक की एनर्जी आ रही है, पीछे से कोई हक कर रहा है यहाँ पर, टाइट हक है नो, एक रोमांटिक फीलिंग्स, मतलब ये स्ट्रॉन्ग रोमांटिक फीलिंग्स है आपको लेकर, यू नो आपके साथ लॉन्ग डिस्टेंस में जाना चाहते हैं, टू ट्रैवल करना चाहते हैं, आपको प्रपोज करना चाहते, बिकॉज इज द 9 ऑफ कप्स, आप उनके उनके लिए एक विश कम ट्रू है। दिस इज किंग ऑफ वॉन्ट्स, नो डाउट यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन, आप में वो मैग्नेटिज्म है, एंड ए पर्सन उसको मतलब फील करता है, मतलब चाहते भी है, बिकॉज कोई पीछे से हक करे यहाँ पर। सो आप हो सकता है आप अवॉर्ड नहीं है इस चीज़, इस फीलिंग्स को लेकर। दिस पर्सन इज किंग ऑफ वॉन्ट, डजंट मैटर मेल और फीमेल, इज लिटिल बिट सेडक्टिव एनर्जी, और ये आपको सेडक्टिव देखते हैं, आपको अट्रैक्टिव देखते हैं ये पर्सन। ओके या माई गुडनेस, लुक दिस इज किंग एंड क्वीन, किंग ऑफ वॉन्ट्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ट्स, एक दूसरे को लेकर आप सोच रहे हैं। एंड हियर इज द क्वीन, यूनिक क्वीन एंड क्वीन ऑफ वॉन्ट्स, बहुत कहा जाता है कि 10 लोगों की भीड़ में भी खड़ी है तो पलट कर लोग देखते हैं, राइट। क्वीन, किंग एंड क्वीन, आप दोनों ही एक पावरफुल कपल हो सकते हैं फ्यूचर में, एक पॉसिबिलिटी है आप दोनों के इस कनेक्शन में, मतलब एक कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मिरर करना, दिस इज किंग एंड क्वीन, इस स्ट्रॉन्ग कपल एनर्जी, एक दूसरे को मिरर करना, थॉट पैटर्न को, जो जैसा वो सोच रहा है वही आप सोच रहे हैं, वो अगर सोच रहे तो आपको साइन मिलते हैं। दिस इज एस ऑफ शॉर्ट्स, ए पर्सन सभी इल्यूशंस को दूर भगाकर यू नो क्लैरिटी देना चाहते हैं लाइफ में, आपकी इस रिलेशनशिप में क्लैरिटी देना चाहते हैं, या फिर ये चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, पास्ट इशू रिजॉल्व हो जाए, बिकॉज आप दोनों के बीच काफ़ी कुछ हुई है, एक ब्लड दिखाई दे रही है, कांटे दिखाई दे रही है रोज़ में, तो बहुत कुछ चला है यहाँ पर। एंड समहाउ लॉन्ग टाइम से ये कनेक्शन, ऐसा नहीं है कि विद इन 1-2 मंथ्स में ये कनेक्शन है, मुझे ये बहुत ओल्ड कनेक्शन नज़र आ रही है, इट्स वेरी पावरफुल। ओके देखते क्या सुनने की ज़रूरत है इस कनेक्शन में आपको। ओके थैंक यू, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, हो सकता है पर्सन ने आप मतलब फाइनेंस को चुना, इनकी करियर वर्क फील्ड को चुना, रिलेशनशिप से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट के लिए फाइनेंस रहा है, दैट्स वाई 8 ऑफ कप्स मूड आई है। थिंकिंग अबाउट द पास्ट मिसिंग, ये पास्ट को लेकर सोच रहे हैं, आपको मिस कर रहे बहुत ज़्यादा, मैं आपको पहले बोल देता, लास्ट मैसेज, लास्ट कम्युनिकेशन, लॉयल एंड ट्रस्टवर्दी, ये आपको लॉयल देखते हैं, ट्रस्टवर्दी देखते हैं, नहीं खुद भी बताना चाहते हैं इस कनेक्शन में कि ये लॉयल है। डिवाइन गाइडेंस, इंस्पिरेशन, ये डिवाइन टाइम के लिए वेट करें माइंड, एंड ये पर्सन जानते हैं कि कनेक्शन डिवाइनली गाइडेड है, डिवाइन गाइडेंस एंड इंस्पिरेशन, इनको भी साइन वगैरह दिखाई देते होंगे। इटर्नल यूनियन, लव फॉर एवर, ट्विन फ्लेम्स, या यही मैं बोल रही थी कि कनेक्शन थोड़ी
मतलब डिफरेंट है अदर पार्ट से, इटर्नल यूनियन लव फॉर एवर ट्विन फ्लेम्स। मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप ट्विन फ्लेम्स है सभी के लिए, क्योंकि ये कार्ड सभी के लिए नहीं है, बट यस ये कनेक्शन बहुत इंटेंस कनेक्शन, अगर नहीं भी है ट्विन फ्लेम इट्स अ वेरी ओल्ड सोलमेट टाइप कनेक्शन, सोलमेट टाइप कनेक्शन। देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए, टेन ऑफ शॉर्ट्स, दैट्स वाई एट ऑफ कप्स, फाइव ऑफ शॉर्ट्स, कुछ बैक स्टैप वगैरह हुई है या फिर कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन को थर्ड पार्टी में पुट करा है इस कनेक्शन में, बहुत कुछ चढ़ा है। मैं आपको पहले बोल रही हूँ कि विद इन वन टू मंथ्स में मिली है पर्सन, ऐसा कनेक्शन नहीं है ये। हायरोफेंट, कोई चेतावनी दे रही है, कोई वर्न किया जाए, कोई जैसे वर्न कर रहा है यहाँ पर यू नो, तो इनके लिए सोसाइटी नॉर्म्स फैमिली कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर आप दोनों के बीच वो डिफरेंट डिफरेंसेस है कल्चर नॉर्म्स के, उसको लेकर ये पर्सन सोच रहे हैं। कोई जैसे कोई फैमिली मेम्बर जैसे वर्न कर रहे हैं इनको, नो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू, तो मैं इस पर्सन के साथ मतलब शादी वगैरह नहीं कर सकती या फिर कॉन्टैक्ट में मत रहूँ, जैसे यू नो कोई वर्न कर रहा है इनको, एंड दिस इज़ द मेन ऑब्स्टेकल, या फिर ये बहुत ज़्यादा अपने फैमिली कल्चर रूट्स को लेकर ये पर्सन सोच रहा है। एंड दिस इज एस ऑफ शॉर्ट्स, ये जानते हैं कि अगर ये एक्शन लेते तो बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना होगा, बहुत कुछ समझौता करना होगा, कंप्रोमाइज़ करना होगा, बट स्टिल मतलब टू टाइम्स एस ऑफ शॉर्ट्स का एनर्जी आया हुआ है इनके फीलिंग्स थॉट पैटर्न में, इनकी एनर्जी आई है एस ऑफ शॉर्ट्स, एंड दोनों जगह पर खून लगी हुई है, तो उतार चढ़ाव कनेक्शन में बहुत है। विद इन वन ईयर इस कनेक्शन में कुछ बदलाव है, बट उससे भी ज़्यादा, उससे भी पहले मुझे टाइम फ्रेम नज़र आ रही है विद इन सिक्स मंथ्स के, बिकॉज दोनों ही शॉर्ट्स है, ईयर एनर्जी मतलब बहुत जल्दी ये यहाँ पर एनर्जी कनेक्शन यहाँ पर एक्टिव होंगे, विद इन सिक्स मंथ्स के भीतर है, एक साल भी नहीं लगेंगे, एक कनेक्शन में कुछ मूड आएंगे, एक टर्निंग पॉइंट आएंगे, एंड ये पर्सन भी चाहते बिकॉज ब्लॉकेज बहुत है। टेन ऑफ शॉर्ट्स हायरोफेंट हो सकता है डिवोर्स पर्सन, बिकॉज हायरोफेंट का जब एनर्जी आ रही है कुछ व्यूअर्स के लिए, या तो फिर फैमिली मेम्बर्स कल्चर में कुछ डिफरेंसेस है उसकी वजह से ये पर्सन सोच रहा है। थोड़ी मैसेजेस देखते हैं, ग्रुप नंबर टू, आपके पार्टनर क्या मैसेजेस आपको चैनल करना चाहते हैं करंट टाइम फ्रेम में। थैंक यू, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू, ओके चलो देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। फर्स्ट मैसेज, यू आर माई सोलमेट, ये इतफाक नहीं हो सकता, इतनी बार इतनी रिपीट हो रही, वेरी सिग्निफिकेंट मैसेज, आई विल कॉन्टैक्ट यू सून, मैं आपको पहले ही बोल रही थी कि ये चाहते हैं, क्योंकि इतना एसेस का एनर्जी आ रही है, क्लैरिटी देना चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं आपसे। आई हैव मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अदर दैन लव, यस दैट्स वाई हार्ड फैंड, एक चेतावनी, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाइनेंस हो सकती है। विल यू एक्सेप्ट द रियल मी, जो मैं हूँ, क्या तुम पूरी तरह से, क्योंकि इनमें इम्परफेक्शन है, इन्होंने कमिटमेंट नहीं दी, चले गए, मतलब कुछ इम्परफेक्शन, कुछ डार्क थॉट पैटर्न है इनका, बहुत इजीली रिवल नहीं कर पाता अपने आप को, इंट्रोवर्ट पर्सन है, आपको समझना पड़ेगा, तो कुछ इस टाइप की दिक्कत है, एक डार्क साइड है, आप एक्सेप्ट करेंगे इनको, तो ये मतलब सवाल है इनके मन में। नो वन कंपेयर्स टू यू, मतलब आपके बराबर कोई नहीं, राइट, आई हैव एडजस्टेड इन माई लाइफ विदाउट यू, बड़ी मुश्किल से सर्वाइव करा ये पर्सन। What I am today is all because of you. आपसे मिलने के बाद बहुत बदलाव इनकी आई होगी उनकी फीचर में, उनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर में, इनकी कुछ स्वभाव में हो सकती है, तो यस आप वो रीज़न हैं। यू बिलीव और नॉट आई लव यू मोर देन यू नो, बहुत प्यार करते आप, मतलब आप जितना जानते उससे कहीं ज़्यादा। आई वॉन्ट टू मेक लव विथ यू, यस मेक लव विथ यू, ये रिलेशनशिप मैरिज मटेरियल के जैसे आपको देखते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे, गॉड ब्लेस यू। वेलकम ग्रुप नंबर थ्री, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, फीलिंग्स, थॉट पैटर्न आपको लेकर, क्या चैनल मैसेजेस वो आपको देना चाहते हैं, नेक्स्ट एक्शन देखेंगे। लव कार्ड आपने चूज़ की, बट मुझे लग रही है कि दोनों तरफ से दिल जल रहा है, जैसे बर्निंग सेंसेशन है, दिल जल रहा है इन द सेंस आइदर जेलस और वेरी मच यू नो इंटेंस एनर्जी। ये ट्विन फ्लेम सोलमेट की भी बात करता है, ट्विन एक फ्लेम है ये, लव फ्लेम, बट आई डोंट नो, मुझे थोड़ी जलन का एनर्जी आ रही है, जैसे दरवाज़ा है, दरवाज़ा के इस तरफ भी जलन है, उस तरफ भी, बट अवॉर्ड नहीं है एक दूसरे की फीलिंग्स को लेकर, दोनों ही सोच रहे हैं क्यों नहीं बात हो रही है, दोनों में ही वो एक स्ट्रॉन्ग एक फ्लेम है, दोनों ही सोच रहे हैं एक दूसरे को लेकर, बट एक्शन कोई नहीं उठा रहा है यहाँ पर। देखेंगे करंट एनर्जी, डजेंट मैटर मेल और फीमेल, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, चलिए देखते हैं। थैंक यू, एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साइड डिटेल्स है, एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिकॉर्डिंग।
करंट एनर्जी आपके पार्टनर की क्वीन ऑफ कप्स, ग्रूमिंग चल रही है, खुद पर काम चल रहे, खुद की शैडो पर काम चल रही है, बहुत कुछ बदलाव आई है। आप नोटिस करेंगे अगर आप सोशल मीडिया में भी आप देखते हैं बहुत कुछ बदलाव आना। एंड धीरे धीरे इनका हो सकता है एनर्जी शिफ्ट थोड़ी स्पिरिचुअलिटी की ओर, ये रियलाइज करी है, मतलब पहले नहीं करते थे, बहुत बदलाव आई है, हो सकती है मिलने के बाद हुई है आपके साथ क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी। एंड पर्टिकुलरली ये इनकी खुद पर काम चल रही है, यहाँ पर देखते हैं साइलेंट एनर्जी है बहुत, अब दोनों के बीच बातचीत बहुत हो रही है, ऐसा लग नहीं रहा। मून, इतना डीप सोच में ये डूबा हुआ है पर्सन, मतलब ये बहुत सोच रहे हैं माय डियर। दिस इज मून एंड क्वीन ऑफ कप्स, स्ट्रॉन्ग मून का एनर्जी आ रही है। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पर्टिकुलरली कैंसर एंड स्कॉर्पियो, मतलब पाइसिस एनर्जी भी मौजूद है बट कैंसर के लोगों में एंड स्कॉर्पियो में थोड़ी ईगो इशू आ जाते हैं, वो बात मुँह खोलते नहीं है। पाइसिस फिर भी थोड़ी इमोशनल होकर बोलते हैं, कैंसर भी बोलते, बट स्कॉर्पियन में वो दिक्कत तो बहुत स्ट्रांगली होती है कि मुँह खोलते ही नहीं है, या फिर खोलने में इनको ईगो क्लैश होती है। बट इनकी कुछ मतलब ऐसे सिचुएशन इनकी है, बहुत फेमिनिन एनर्जी आ रही है, सेंसिटिव एनर्जी में है, वल्नरेबल एनर्जी में है। ओके, देखते हैं। थैंक यू फूल। इनको कभी कभी लगता है कुछ बोल देते हैं, कर देते हैं, कुछ एडवेंचरस कुछ करते हैं, इनको लगता है ये सब कुछ मतलब उस सोच में ही सोच रहा है कि कुछ कर देंगे, कुछ बोल देंगे। फूल बहुत पिकल माइंडेड एनर्जी, इसको समझना होगा, फूल बहुत मैच्योर्ड नहीं है, बिकॉज मून एंड फूल एक साथ आया हुआ है, इट्स वेरी पिकल माइंडेड एनर्जी करंट टाइम। कभी कभी इनको लगता है बस बोल देते हैं, कुछ बातचीत करते हैं, अगेन एनर्जी को स्विच कर लेते हैं, बैक पुल करते हैं। ओके, देखते हैं और क्या मैसेज है। हाई प्रिस्टेस, माय गुडनेस, ये एनर्जी तो मतलब आप दोनों के बीच बातचीत नहीं हो रही है, अगर हो रही है तो ये आपका पायल नहीं है ग्रुप नंबर 3, बातचीत वगैरह बिल्कुल नहीं है। टेलीपैथिकली आप एक दूसरे को यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं, वो कनेक्शन है, ये कर सकते हैं, मैसेजेस छोड़ते हैं, पर्सन आपको साइन वगैरह दिखाई देते हैं, जब नाम हो इनकी नेम की इनिशियल हो, या फिर सपने में हो सकती है, जो ये काम काज करते हैं वो आपको सपने में दिखाई दे सकते हैं, थोड़ी मतलब हिंट ये सोचते हैं माइंड यार आपको लेकर। हाई प्रिस्टेस एनर्जी अपने आप को एकदम से समेट कर रखा हुआ है, मतलब ये रिवेल नहीं करना चाहते, एनर्जी बहुत डार्क है यहाँ पर, मतलब पूरी तरह से खुद पर काम चल रही है यहाँ पर। हायर स्टडीज़ वगैरह इनकी हो सकती है, रिसर्च ओरिएंटेड काम इनकी चल रही है, या फिर करंट टाइम फ्रेम में कैरियर वर्क फील्ड पर फोकस पॉइंट है। हाई प्रिस्टेस एनर्जी इनकी कोई लीगल इशू भी हो सकते हैं, इनकी लाइफ में चला है कभी आइदर, और ये पर्सन करंट टाइम फ्रेम में कम्प्लीटली ब्लॉक्ड है, कम्प्लीटली रेडी नहीं है बात करने के लिए। इनका एनर्जी तो देखिए किस तरह से, मतलब एनर्जी में एक डार्कनेस, डार्क एनर्जी है, हिडन है, सीक्रेट, बहुत मिस्टीरियस पर्सन है ये। देखते हैं इस कनेक्शन में आपको और क्या सुनना ज़रूरी है। डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, मैं आपको पहले ही बोल रही थी, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, मैस्कुलिन साइड पे डिस्टॉर्टेड आ रही है। ये पर्सन अपने आप को इस एनर्जी से, इस कनेक्शन से बाहर आने के लिए पूरी तरह से काम पर फोकस पॉइंट डालना चाहते हैं, जो भी काम करता है दिन रात, एंड इवन अच्छी तरह से कोई रूटीन भी ये पर्सन बैलेंस नहीं करता है, मतलब बहुत देर से सोता है, या फिर रात्रि में बहुत देर तक जगा, मतलब यू नो बहुत लेट नाइट स्लीपर पर्सन है ये पर्सन, मतलब रात की 2-3 बजे में भी ये पर्सन जागा हुआ है। मुझे इस टाइप की एनर्जी, मतलब कोई भी बैलेंस रूटीन नहीं है, एंड खासकर इनकी एनर्जी नाइट में ही एक्टिव है, दिन में नहीं, दिन में एक पूरे काम पे फोकस है, बिकॉज डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन ये एनर्जी पूरी जो काम है ना वो नाइट में करता है, फैंटासाइज करना हो, बिकॉज एनर्जी में फैंटासाइज है, क्वीन ऑफ कप्स है, मून है, हाई प्रिस्टेस है विद फूल, तो यहाँ पर थोड़ी वो एनर्जी तो होगा ही। देखते हैं आपको लेकर क्या थॉट पैटर्न है इनका। सडन वेल नंबर 11777, इनको भी साइन वगैरह दिखाई दे रही है शायद, एंड इन ये आपको आपकी मतलब इनके लाइफ में एक डिवाइन काउंटर पार्ट के रूप में हो, या फिर एक सोलमेट के रूप में हो, या फिर एक ट्विन फ्लेम के रूप में हो, ये आपको चाहते हैं, मतलब समहाउ कुछ, मैं आपको पहले बोले थे कुछ कर बैठते, बता देते, आज ही बता देते हैं, तो जब वो यू नो मैसेज में वो टाइप करने आ रही है, देन बैक पुल हो रही है बिकॉज ऑफ हाई प्रिस्टेस एंड मून। एनर्जी बहुत फिकल माइंडेड है, एंड इनका मन होता है बहुत बार की बातचीत करते हैं। दिस इज़ फॉल्स पर्सन, मैं आपको पहले बोल रही, बहुत आसपास का एनर्जी है, ये बहुत आसपास है, आपके कलीग फ्रेंड जोन में कोई पर्सन हो सके, या फिर आप ऑलरेडी सोशल मीडिया बातचीत वगैरह कर चुके हैं, मतलब ये पर्सन अपने आप को रिवेल नहीं करा है, मैं आपको पहले बोल रही थी, हाई प्रिस्टेस वेरी इंट्रोवर्ट
नॉट शाय बट इंट्रोवर्ट एंड लिटिल बिट लाइक स्नीकी टाइप पर्सन, मतलब इजीली अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। दिस अ फॉल्स पर्सन, फॉल्स मतलब ये, मतलब ऐसा नहीं कि फॉल्स पर्सन है बट अपने फीलिंग्स को ये छुपा रही है पर्सन। ये बहुत क्लोज है माइंडेड आपके आसपास, डेली बेसिस में मिलते हैं कि कैसे वर्क फील्ड से कलीग फ्रेंड जोन में, ये आसपास का पर्सन है, लॉन्ग डिस्टेंस नहीं। आप बात कर चुके हैं रिसेंटली वीडियो कॉल में या फिर फ़ोन पे, ऐसे पर्सन है ये। देखते हैं थैंक यू क्या फीलिंग्स थॉट पैटर्न है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, ये लुक दिस मेल फिगर किस तरह से फीमेल को यहाँ पर देख रही है, यहाँ पर पेंटिंग बना रही है। हो सकता है पर्सन आपकी पेंटिंग वगैरह बनाते हैं, पेंटर है पर्सन, बनाते हैं आपकी पेंटिंग पिक्चर देख कर सोशल मीडिया में। ये मतलब पर्सन ना आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं, रेसिप्रोकेट करना चाहते हैं एनर्जी को। थैंक यू, दिस इज़ टू ऑफ कप्स। मैं आपको पहले बोल, दोनों ही मार्क्स की एनर्जी में है, दोनों ही मार्क्स की एनर्जी में बैठा हुआ है, दोनों ही अपने फीलिंग्स का एक दूसरे की तरह, खास कर दिस मेल, द मेल वन, यहाँ पर वो फीमेल को देख रहा है, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को, जैसे वो आपको देख रहे। अगर आप फीमेल हैं इस रीडिंग को सुन रहे तो वो आपको डिवाइन काउंटर पार्ट के रूप में देखते हैं, चाहते हैं। टू ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, एनर्जी रेसिप्रोकेट करना चाहते हैं या टेम्परेंस। देखते तो है माय डियर, दिस इज द मेल वन एंड लुक दिस, देखते तो है माय डियर। एंड हो सकते हैं आपने रिसोर्ट एरिया में, किसी होटल रिसोर्ट एरिया में रिसेंट टाइम फ्रेम में मिले होंगे, आपने कोई मीटिंग में मिले होंगे, कोई ऐसी इन ऑफिस एरिया की कोई मीटिंग, ऑफिस से जुड़ी कोई मीटिंग में एक पर्सन के साथ आपने रिसेंट टाइम फ्रेम में मिले होंगे। ये पर्सन आपको इस तरह से देख, जैसे कोई नशा है, यू नो इट लुक्स लाइक टेम्परेंस, बट जैसे देखेंगे तो ये और आँख ही नहीं हटा पाएंगे उससे, यू नो आपके पिक्चर से देखते ही रहते हैं, देखते ही रहते हैं ये पर्सन। ओके, दिस इज सिक्स ऑफ कप्स एंड दिस इज टू ऑफ वॉन्ड्स, जैसे एक रोज इनकी शर्ट पे लगा रही है कोई पर्सन। एंड दिस इज सिक्स ऑफ कप्स, पास्ट में, इमीडिएट पास्ट में कोई कम्युनिकेशन, लास्ट मैसेज, लास्ट कम्युनिकेशन, उस या फिर कभी आपने सेलिब्रेट किए एक साथ, क्वालिटी टाइम्स सेलिब्रेट किए, बातचीत की, वीडियो कॉल हो, उस मोमेंट को ये पर्सन अगेन एंड अगेन सोच रहा है। इनको लग रहा है और कुछ बताना चाहिए था उस कम्युनिकेशन में, और कुछ कहना चाहिए था इस चीज़ को। टू ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन प्लान कर रहा है, यू नो इनके मन में प्लानिंग चल रही है, बहुत कुछ इस तरह से बताना चाहिए था या फिर नेक्स्ट क्या कहना है, बिकॉज टू ऑफ वॉन्ड्स में मुझे प्लानिंग नज़र आ रही है, इनके मन में प्लानिंग स्ट्रैटेजी। ओके, देखते हैं इस कनेक्शन में आपको और क्या सुनने की ज़रूरत है। नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे, मैसेजेस देखेंगे। कम्फर्ट जोन, लेजी, इनएक्टिव, यस ए पर्सन इनएक्टिव है। मैं आपको पहले बोल, इट्स नॉट वेरी एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी, कार्ड की मतलब एनर्जी देखिए इनका। थैंक यू, शॉकिंग रिविलेशन, सडनली हो सकते हैं आप दोनों के बीच ऐसे कोई कम्युनिकेशन हुई है जो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं थी, तो दैट्स वाई ये पर्सन सोच रहा है कि और कुछ होना चाहिए था, और कुछ बोलना चाहिए था, या फिर उस तरह से ट्रीट नहीं करना चाहिए था आपको। तो अचानक से कुछ सडन कुछ इंसिडेंट की वजह से आप दोनों के बीच शायद थोड़ी दूरी आ चुकी है। लिटिल बिट टावर मोमेंट, सीक्रेट लवर एडमायरर, दिस इज़ योर सीक्रेट लवर एंड एडमायरर, सीक्रेट लवर एंड एडमायरर। एक्सपेक्ट अ कॉल, ये पर्सन कॉल वगैरह नेक्स्ट कर सकते हैं, एक्सपेक्ट अ कॉल, फ़ोन कॉल। हैप्पी अलोन, ये पर्सन आपको दिखाते हैं कि मैं सिंगल हूँ, यू नो स्टेटस वगैरह दिखाते होंगे सिंगल हूँ, हैप्पी हूँ, बट ऐसा नहीं है। दिस इज मीन टू बी टुगेदर, ए पर्सन यू नो आपको, मैं आपको बोल रहे थे ना कि एक साथ एक मैरिज मटेरियल के जैसे देखना, एक यूनियन, बट स्टिल एनर्जी अभी एक्टिव नहीं है, बट ये फ़ोन से यहाँ पर कुछ कम्युनिकेट करना चाहेंगे, फ़ोन से, फ़ोन कॉल, मैसेज हो सकती है यहाँ पर। नेक्स्ट एक्शन देखते हैं, सेवन ऑफ कप्स, ये तो लुक किस तरह से ये लेडी सेवन ऑफ कप्स की ओर देख रही है, इनके पास ऑप्शंस है नो डाउट, बट ये आप ही को देखते हैं, आप ही को मतलब बेस्ट मानते हैं। स्टार, ये दुआ कर रही है पर्सन कि आपके साथ यहाँ पर यूनियन हो जाए, पर्सन डजेंट मैटर मेल और फीमेल, में अगेन कह रही हूँ यहाँ पर सभी फीमेल पिक्चर है, ये पर्सन दुआ मांग रही है कि चीज़ें ठीक हो जाए, कनेक्शन स्ट्रांग हो जाए, रिबर्थ हो जाए इस कनेक्शन में। दिस इज़ मून का, टू टाइम्स मून एनर्जी आया हुआ है इस कनेक्शन में, रिबर्थ आने में या फिर इनकी मतलब इस कनेक्शन में एक नेक्स्ट एक्शन लेने में इनकी थोड़ी टाइम लगेंगे, बट इनडायरेक्ट मैसेज आ सकते हैं इनकी तरफ से, डायरेक्ट प्रपोजल अभी एक्सपेक्ट ना करें, वो एनर्जी नहीं है, बिकॉज मून एंड स्टार आई हुई है, अभी भी एनर्जी एनर्जी पर मतलब खुद पर ये वर्क करेंगे, अभी भी इनको टाइम देना होगा। थैंक यू, चलिए देखते हैं इनकी तरफ से कुछ मैसेजेस, ग्रुप नंबर 3।
ग्रुप नंबर 3 के व्यूअर्स को लेकर क्या मैसेजेस हैं, उनके पार्टनर क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या मैसेज चैनल करना चाहते हैं। थैंक यू। क्या मैसेज चैनल करना चाहते हैं। थैंक यू। क्या मैसेज चैनल करना चाहते हैं। थैंक यू। ओके ओके बॉटम ऑफ द डेक, आई हैव लॉस्ट ऑल होप्स, दैट्स वाई मून एनर्जी। मतलब पूरी तरह से इनको लग रहा है कि और कुछ संभावना नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है इस कनेक्शन में और कुछ। आई मेड मैनी मिस्टेक, इन्होंने गलती करा है एंड इसको एडमिट भी करा है, यहाँ पर ग्रेसफुल इसको एक्सेप्ट भी करा है करंट टाइम फ्रेम में। यू आर द ड्रीम आई गो टू एवरी टाइम आई क्लोज माई आइज। ये आपको ड्रीम, मतलब ड्रीम में आपको देखते हैं जब भी, मतलब आंखें बंद होते ही ड्रीम में आप आते हैं, ये कहना चाहते हैं। नेक्स्ट, आई फील सो हेल्पलेस, आई वॉन्ट टू बी विथ यू बट आई कांट। मैं आपको बोल रही हूँ पर्सन बहुत होपलेस हेल्पलेस फील कर रहा है एंड दुआ मांग रहा है स्प्रिट से। वी हैव नेवर ओनली बीन फ्रेंड्स, हम सब फ्रेंड नहीं थे। मैं आपको पहले बोल रहे थे ना कि बहुत क्लोज एनर्जी है, कि सिर्फ फ्रेंड नहीं, फ्रेंड से भी कुछ ज़्यादा थे, कुछ और थे यहाँ पर कनेक्शन में। आई हैव मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अदर देन लव, इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा थे या फिर आज भी है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये पर्सन कहना चाहते हैं कार्मिक, हो सकता है पर्सन आपको कार्मिक पार्टनर के जैसे ट्रीट किया या फिर बहुत स्ट्रॉन्ग कुछ रिलेशन आपको दी है। चलिए देखते हैं कुछ और मैसेजेस। थैंक यू। थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। I have never missed anyone as much as I missed you. Person बहुत miss करते हैं आपको। I'll forgive you. मतलब somehow आपने भी शायद इनको कुछ कहा होगा जो इनके दिल को चोट पहुँची है। इन्होंने तो mistake करा ही है, तो somehow forgive, forgetting का energy आई है। That's why मैं आपको बोल रही कि इनका खुद पर काम चल रही है। I hide my tears under my smile. ये दिखाते होंगे I'm okay, but ये okay नहीं है, satisfied नहीं है, जो भी जिस भी person के साथ है या फिर जो situation में है। आई कैन नेवर फॉरगेट यू, आपको कभी भूल नहीं सकते। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू।